वेलकम बैक टू माई चैनल। चलिए करते हैं और एक पार्ट मेकअप। तो सबसे पहले मैंने उनके स्किन को लवर्थ के टोनर की मदद से टोनिंग कर लिया है। ये मेरा बहुत ही शॉर्ट वाला वीडियो है, मैंने बहुत जल्दी जल्दी मेकअप किया था उनको। अभी मैं लगा रही हूँ डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र, और ये मेकअप करने के लिए मुझे सिर्फ आधा घंटा ही दिया हुआ था। उन्होंने साड़ी पहना है खुद, लेकिन मैंने थोड़ा सा आंचल को ठीक ठाक कर दिया। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेकअप और हेयर स्टाइल करना था, और वो भी बहुत ही जल्द और बहुत ही कम समय में। तो देखिए, अभी मैंने ELF का ल्यूमिनेटिंग प्राइमर यूज़ किया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑरेंज करेक्टर दिया। ऑरेंज करेक्टर ब्लेंड करने के बाद मैंने उनके फेस पे डायरेक्ट फाउंडेशन डाल दिया, और फाउंडेशन मैंने यूज़ किया है चामेसी का। ये थोड़ा सा उनके स्किन के हिसाब से बहुत ही हल्का शेड है, क्योंकि उनको थोड़ा सा ब्राइट मेकअप चाहिए था, तो दैट्स वाई मैंने ये वाला फाउंडेशन जो है चूज़ किया। उसके बाद देखिए, मैं कंसीलर लगा रही हूँ। कंसीलर मैंने बहुत सारी जगह पर लगाया, जहाँ जहाँ पर मुझे लग रहा था कि हाइलाइटिंग की ज़रूरत है, जैसे आँखों के नीचे, नाक के ऊपर, होठों के ऊपर नीचे, और उनको भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने ब्लेंडिंग कर दिया। ये सब करने के बाद मैंने एक कॉम्पैक्ट पाउडर लिया, और उस कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से मैंने उनके फुल फेस पे पूरा जो मेकअप है उनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से सेट कर दिया है। आप थोड़ी देर बाद ही आपको देखने को वो वाला मिल जाएगा। अभी जो कॉम्पैक्ट पाउडर जब मैंने दिया, उसके बाद सेट करने के बाद मैंने लगाया उनके स्किन पे थोड़ा सा ब्लश, क्योंकि ब्लशिंग उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने बोला कि ब्लश ज़्यादा से लगाना है, तो मैंने उनको थोड़ा सा ब्लशिंग भी कर दिया है। तो गले पे भी मैंने मेकअप डाल दिया है, लेकिन आप जहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेकअप नहीं डाला हुआ है, मैं बाद में वहाँ पे डाल दिया था, तो आपको लास्ट में दिखाई देगा कि कैसा लग रहा है, कोई अनइवन स्किन नहीं थी। उसके बाद देखिए, मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ। ब्लश मैंने MMS की पैलेट से एक ब्लश जो है वो मैंने लगाया है उनको, और थोड़ी सी कॉन्ट्रोलिंग भी कर दिया है। कॉन्ट्रोलिंग का वीडियो लेना शायद मैं भूल गई थी। नाक में भी थोड़ा सा कंट्रोलिंग किया, एंड उसके बाद देखिए हाइलाइटर लगा दिया। हाइलाइटर के बाद मैं चली जाती हूँ उनके आँखों के मेकअप के। आँखों के मेकअप के लिए मैंने जस्ट दो आई शेडो का इस्तेमाल किया, एक तो ब्राउन जिससे मैं अभी क्रीज कर रही हूँ, उनके क्रीज को बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया। उनकी आँखों में बहुत ज़्यादा स्पेस था, बहुत बड़ी बड़ी आँखें थी उनकी, लेकिन मैंने दोनों ही आई शेडो का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया। तो देखिए, ये बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के बाद बीच में एक शिमरी आई शेडो मैंने डाला, एंड उसके बाद थोड़ा सा उनकी आईब्रोज़ भी कर दिया। आईब्रोज़ के लिए मैंने यूज़ किया है PAC, जो मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ। PAC मेरा फेवरेट आई शेडो प्रोमेट है, और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत मतलब बहुत अच्छा है, तो दैट्स वाई कि मैं यही वाला सिर्फ और सिर्फ यूज़ करती हूँ। उसके बाद देखिए, बीच में गोल्डन आई शेडो एंड थोड़ा सा न्यूड लिपस्टिक, एंड उनको बाद में न्यूड लिपस्टिक पसंद नहीं था तो डार्क कर दिया मैंने पिंक करके। तो ये वाला वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मेरे फेसबुक चैनल पे भी थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर देना। एंड दिस इज़ अ फाइनल लुक फॉर द वेडिंग, और उनका रिसेप्शन ब्राइट मैंने डाल दिया है इसी घर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।